हो गया। आज राजनीति विज्ञान में हम कक्षा 11वीं में नागरिकता वाला जो लेसन है अध्याय 6 उसका भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था नागरिकता के बारे में कि नागरिकता का अर्थ क्या है और कैसे नागरिकों की क्या गुण होने चाहिए। आज हम यहाँ पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ कि हम क्योंकि विभिन्न देशों में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं, तो अलग अलग विधियां हैं नागरिकता प्राप्त करने की। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है जन्मजात अथवा स्वाभाविक और दूसरी होती है कृत्रिम या हमें राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। तो जो जन्मजात है इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक है रक्त अथवा वंश का सिद्धांत, मतलब जो उसके माता पिता की नागरिकता होगी वही उस बच्चे की भी उस संतान की भी नागरिकता वही होगी। तो बालक को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश के उसके माता पिता होते हैं, भले ही उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। मान लो कोई एक भारतीय है और उसके बच्चे का जन्म फ्रांस में होता है तो उसकी नागरिकता भारतीय होगी ना कि फ्रांस की होगी। तो इस प्रकार लेकिन इस रक्त और वंश में भी कहीं कहीं कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जब माता एक देश की हो और पिता दूसरे देश का हो तो हमें ये वाली नागरिकता ग्रहण करने में थोड़ा सा परेशानी आती है। तो दूसरा सिद्धांत है जन्म स्थान का सिद्धांत, मतलब बालक का जन्म जहाँ हुआ है वहीं पर उसकी नागरिकता मानी जाएगी। जैसे कोई भारत का रहने वाला है और उसका जन्म फ्रांस में हुआ तो उसकी फ्रांस की नागरिकता मानी जाएगी, ऐसा है। और कहीं कहीं दोनों का मिला जुला भी रूप होता है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे जन्म स्थान का सिद्धांत। तो बालक की नागरिकता उसके जन्म स्थान से निश्चित की जाती है। तो इससे क्या होगा कि यदि उसका कहीं का रहने वाला है और कहीं पर उसका जन्म होता है तो वह स्वदेश की नागरिकता से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। तो ये नागरिकता से भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तीसरी है मिश्रित अथवा दोहरा, मतलब वो दोनों को मिला के। तो कुछ देश हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में ये मिश्रित और दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है कि इसमें दोनों को मिलाकर रक्त सिद्धांत और जन्म स्थान दोनों को मिलाकर नागरिकता का निर्धारण किया जाता है। इसमें यह रहता है कि जैसे अमेरिकन तथा अंग्रेज माता पिता से उत्पन्न बच्चों को इनका जन्म कहीं भी हो किसी भी देश में हो इनको अपने माता पिता के देश की ही नागरिकता प्राप्त होगी, जैसा कि हमने शुरू में का वाला पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि ये होती है जो मिश्रित और जन्म वाले अपने जन्म स्थान में, तो कहीं कहीं परेशानी आती है और हमारे उसको व्यवहारिक रूप में क्या होता है थोड़ा सा कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो मिश्रित सिद्धांत की तुलना में रक्त वंश का सिद्धांत ही अधिक तर्क संगत है क्योंकि जो माता पिता की नागरिकता होगी वो ही अधिकतर बच्चों की नागरिकता होती है। यदि मान लो हम जिस स्थान पर जन्म हुआ है तो उस स्थान पर जन्म लेने से बालक के हृदय में उस भूमि के प्रति किसी भी प्रकार की निष्ठा जागृत नहीं हो पाती। तो हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक नागरिकता है। दूसरी नागरिकता है राज्य प्रदत्त अथवा कृत्रिम नागरिकता, राज्य प्रदत्त। इसको भी हम एक दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है देशीय करण, मतलब हम दूसरे देश में रहते हैं तो हम वहाँ
कुछ निश्चित समय रहने के बाद वहाँ की कुछ हम शर्तें क्या कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है। तो देशीकरण का आशय गार्नर ने बताया कि विदेशी को नागरिकता प्राप्त करने की किसी भी विधि अथवा प्रणाली से है। मतलब देशीकरण मतलब वो बाहर का है और हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। तो सभी देशों में अलग-अलग है नागदेशीकरण की विधि, सबके नियम अलग-अलग है। तो प्राप्त करने की इच्छा करता है तो प्रार्थी को एक आवेदन पत्र देना पड़ता है और उस देश से संबंधित सभी शर्तों को पूरा करना पड़ता है और वहाँ देश की सरकार जहाँ की नागरिकता लेना है उस पर विचार विमर्श करके और उसको फिर बाद में अपने नियमानुसार उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की कुछ सामान्य शर्तें हैं, निश्चित निवास, ये सब अपने अलग अलग देशों के नियम अलग अलग होते हैं कि आपको वहाँ पर कुछ निश्चित समय तक रहना पड़ेगा और अपने राज्य की नागरिकता त्याग करके वहाँ के लिए आवेदन दें और इस प्रकार निवास करने की जो अवधि है वो सभी देशों में क्या है अलग अलग। दूसरा है देशभक्ति की शपथ। आप जिस देश की नागरिकता ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको उस देश के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करना पड़ेगी, निष्ठावान रहना पड़ेगा देश के प्रति और देश के जितने भी कानून हैं उनका पालन करना पड़ेगा। फिर है नागरिकता प्राप्ति की इच्छा। और मतलब क्यों लेना चाहता है तो उसको अपने इच्छा रखता है, उसे कोई भी हम जबरदस्ती किसी अन्य दूसरे देश के नागरिक पर अपनी नागरिकता को हम थोप नहीं सकते। मतलब उसे हम जबरदस्ती अपने देश की नागरिकता नहीं दिलवा सकते हैं, यदि उसकी इच्छा है तो रखेगा। तीसरा है राष्ट्रभाषा का ज्ञान। जब वो अपने देश में या जिस देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसके जो प्रचलित भाषा है, उस देश की जो राष्ट्रभाषा है, उसका ज्ञान भी उसको होना जरूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रभाषा का ज्ञान एक अनिवार्य शर्त है। ये हम पढ़ रहे थे अभी कि जो दूसरे देशों से जो हम नागरिकता लेते हैं, देशीयकरण करते हैं, तो ये दो दो पॉइंट, तीसरा, चौथा पॉइंट था राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद एक और तरीका है, एक तो हम अपने उससे ले सकते हैं, दूसरा तरीका है विवाह द्वारा। एक तो राज्य द्वारा दी जाती है, जिस पुरुष से विवाह होता है तो पुरुष की ही नागरिकता महिला को प्राप्त हो जाती है अपने पति की। लेकिन कुछ देशों में तो ये नियम लागू है, लेकिन जापान में प्रचलित है, यदि किसी अन्य देश का पुरुष जापानी महिला से विवाह कर ले तो पुरुष को भी जापान की नागरिकता मिल जाती है। मतलब यहाँ पर अभी तक ये चलता था कि जिस पुरुष से शादी की है उसकी नागरिकता मिलती थी, जापान में ऐसा है, पुरुष यदि जापानी महिला से कर ले तो उसको भी जापान की नागरिकता मिल जाएगी। तो हम देखते हैं विवाह द्वारा भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। गोद लेने से कोई भी राष्ट्र का जो व्यक्ति किसी भी बच्चे को गोद लेता है तो बालक को गोद लेने वाले जिसने गोद लिया है उसकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। सरकारी सेवा, यदि किसी देश में हमें कोई सरकारी सेवा का अवसर मिला है, पद ग्रहण मिला है, तो उसको भी वहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। विजय, पहले चलता था एक देश दूसरा राज्य उस पर क्या कर लेता है, यदि विजय प्राप्त कर लेता है तो जो हारा हुआ है तो उस और जिसने विजय प्राप्त की है तो वहाँ के नागरिकों को विजयी देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। फिर है संपत्ति खरीदने पर। कहीं ये सभी जगह तो लागू नहीं है, कुछ देशों में है कि यदि विदेशी उस देश में भूमि या कुछ संपत्ति खरीद लेता है तो वहाँ की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी। बहुत कम जगह है ये प्रचलित। अमेरिका के
जो देश है पीरू तथा मैक्सिको, यहाँ पर ऐसा नियम है। फिर है जो छठा सातवां पॉइंट है विद्वता के आधार पर। कुछ राज्यों में ऐसे विद्वान होते हैं विदेशी, जो नागरिकता प्राप्ति के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं कि विद्वान है और उनको अपने देश में रखना है, तो इस प्रकार उनको आसानी से अपनी विद्वता के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ऐसा फ्रांस में होता है। अच्छा, पुनः नागरिकता, यदि एक व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है और अपने देश की नागरिकता को त्याग दिया है, लेकिन यदि मान लो वो दोबारा पुनः अपने देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहे, तो कुछ नियमों के आधार पर उसे अपने देश की नागरिकता मिल सकती है। तो इस प्रकार हम पढ़ रहे थे ये हम कि किस प्रकार हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें ये प्रश्न आता है कि नागरिकता प्राप्त करने के आप तरीके बताइए। धन्यवाद।